चलिए अब बीजेपी के नेता के पास जाते हैं। आनंद अमित जी, इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? ये तो व्यक्तिगत बयान है, सुन लिया ना आपने तिवारी जी की बात? देखिए रजनी जी, तिवारी जी दोनों ही बात कह रहे हैं। मैं रजनी जी, आज इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। आज तारीख है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को पूरा देश और कई देश भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी मना रहा है। आज निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, लड़कियों की उम्र को 21 साल शादी में जो डाइवर्ट किया गया है, ये आज वास्तविक रूप में भिखारी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने आज से 70 साल पहले ऐसा सोचा था कि लड़कियों का विवाह ऐसे समय पे हो जब वो परिपक्व हो, तो आज सच्ची श्रद्धांजलि भिखारी ठाकुर जी को हमारी सरकार ने दिया है। अब मैं रजनी जी आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत में शुरू से शादी की उम्र पुरुष और महिलाओं में अंतर रहा है। पहली बार भारत में शादी के लिए न्यूनतम उम्र 1929 में शारदा एक्ट के तहत किया गया था, जिसको कि 1930 में लागू किया गया। उसमें पुरुषों की उम्र जो थी वो 18 साल थी, महिलाओं की उम्र जो थी 14 साल थी। उसके बाद आजादी के बाद 1949 में पुरुषों के लिए 18 साल और महिलाओं के लिए एक साल बढ़ा के 15 साल किया गया। इसके बाद 1978 में, मतलब आज से 43 वर्ष पूर्व, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 और 18 साल कर दी गई। विगत 15 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से यह घोषणा किया था कि महिलाओं की उम्र जो है शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष की जाएगी, जिससे कि जो मृत्यु दर जो महिलाओं में जो पाया जा रहा था वो काफी पाया जा रहा था, जिसके तहत 4 जून 2020 को देश में मातृत्व मृत्यु दर के आधार पर एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी में जया जेटली जी को अध्यक्ष बनाया गया। और इस कमेटी ने पिछले एक साल में पूरे देश का भ्रमण करने के बाद नीति आयोग के सहयोग से सरकार को यह रिपोर्ट दी गई कि महिलाओं की उम्र 21 वर्ष की जानी चाहिए। क्योंकि रजनी जी आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अपने भारत में 10वीं पास करने का एक निर्धारित समय 14 से 15 साल, 12वीं का 16 से 17 साल, तो कोई भी महिला अगर जब तक 21 साल वो करती है, अगर मान लीजिए सीए कर रही है, एमबीबीएस कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, तो निश्चित तौर पे 21-22 साल की हो जाती है। तो जब तक वो परिपक्व नहीं हो पाती है, और जिस तरीके से हमारे झारखंड के कुछ मंत्रीगण, कुछ विधायकगण जिस तरीके से कह रहे, उत्तर प्रदेश में भी किसी एक सांसद जी ने कहा है, तो हम ऐसे नेताओं को ये कहना चाहते हैं कि ये तालिबानी वक्तव्य देना बंद करें। ये देश आपके तालिबानी नीति से नहीं चलने वाला है, ये देश सुचारू ढंग से सरकार के बनाए गए कानून के आधार पर चलने वाला है। अपनी मानसिकता को बदलिए, तभी ये देश आगे बढ़ रहा है। और अपनी मानसिकता बदलिए, आप भी आगे बढ़िए।